बक्सर अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को होली तथा आगामी चुनावों को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश कुमार के नेतृत्व में सोमवार को अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचला अधिकारी के साथ साथ रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी, समाज सेविका लता श्रीवास्तव, पूर्व विधायक श्रीकांत पाठक, जदयू जिला अध्यक्ष विंध्याचल कुशवाहा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष बजरंगी मिश्रा, कामेश्वर पांडे, नगर थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, ट्रैफिक इंचार्ज अंगद सिंह, मजदूर नेता डॉक्टर मनोज यादव, जदयू नेता अजय मानसिंह का संजय सिंह समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेता तथा अन्य लोग शामिल रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक श्रीकांत पाठक ने गंगा के रास्ते हो रही शराब तस्करी पर रोक लगाने की बात कही। वहीं एसडीपीओ का कहना है कि पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, सही समय पर सूचना देने पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। चलिए आप लोगों भी हैप्पी होली। थैंक यू सर। भैया भैया हम भी लगाते हैं। सांप देखिए तो ले रहे हैं। सांप के साथ तो गोली लीजिएगा। ठीक। बाबा का लगभग नहीं किया बढ़िया शांति समिति की बैठक में लोगों ने कहा कि अब शराब के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं उनका ट्रेंड भी बदल गया है, आपको कई इनपुट भी मिले हैं, कार्रवाई भी हो रही है, तो क्या रणनीति है होली शांति व्यवस्था रहे? देखिए आज शांति समिति की बैठक थी अनुमंडल स्तर पे और शांति समिति के सदस्यों के द्वारा कई तरह का सुझाव दिया गया, कई तरह की जानकारी दी गई। इसमें से कुछ जानकारियां हमें पहले से थी भी और हम लोग उस पर काम भी कर रहे थे, खास करके शराब को यूपी का बॉर्डर होने के कारण यूपी के तरफ से लाने के लिए जो अब जो सिस्टम है, जो मेथड है वो बदल गया है। लोगों का कहना है नाव के नीचे बांध के उसको लेके आ जाते हैं। हम लोग को इसकी सूचना मिली थी, कल भी हमारी टीम गई थी और घाट पर से नदी के किनारे से काफ़ी कार्टून शराब का पकड़ा गया है और हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जब भी इस तरह की सूचना मिलती है तुरंत कार्रवाई होती है। क्या अपील करेंगे सर? हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप इस तरह की कोई सूचना देते हैं तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग एक्शन लेंगे और बाकी पुलिस को जो भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है। बात उठाई थी कि बक्सर में विधि व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे तो इस पर आपने कहा कि आज अपराधी को मार रहे हैं, कोई शरीफ आदमी के साथ सर का बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या मामला था? सही बात है कि अपराध जो पहले से लोग किए हुए हैं और किसी के परिवार को जो काउंटर किया है तो उसको थोड़े है कि पूजा करेगा, उसको लोग भी गोली से मारेंगे ही। तो इस तरह का जब अपराधी को मारता है तो ये अच्छी बात है और समाज में इसका अच्छा संदेश जाता है। ऐसे तबके के लोग यदि समाज से ख़त्म हो जाएँ और समाज बिल्कुल उस रूप में सुरक्षित हो जाएगा और लगेगा कि नहीं बक्सर है, बक्सर जैसे जगहों पर अपराध, ये तो बहुत गलत बात है। जहां राम जैसे लोग ज्ञान सीखने के लिए आए थे, ये तो पूरे दुनिया का पवित्र धरती बक्सर है और बक्सर के 17-18 लाख जो मतदाता है और उसके अतिरिक्त जो हमारे माँ बहन बेटी और बेटे हैं, वैसे लोगों को सीख लेना चाहिए श्री रामचंद्र जी के ज्ञान के स्थल से और उनके चरित्र से, और वैसे लोगों के